नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर महाराजपुर में शालू कुशवा के साथ पड़ोस में रहने वाले मीना सिंह और उसके भाई ने शैली सिंह के द्वारा जमकर मारपीट की गई। वहीं पीड़िता के घर के कमरों में भी तोड़फोड़ कर दी गई। जब महिला ने आधारताल में शिकायत दर्ज करवाने गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जिसके बाद पीड़ित महिला ने एसपी से गुहार लगाई। वहीं महिला के साथ हुई मारपीट पर मामला दर्ज किया गया है, जहां पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पड़ोस की सरकारी भूमि पर मीना सिंह मकान बना रही है, जिसने उनके घर सामने रेत गिट्टी डाल दी, जिस पर उसने मीना सिंह से रेत गिट्टी हटाने के लिए कहा तो मीना सिंह विवाद करने लगी। उसके बाद आए दिन विवाद करने लगी। वहीं रात में मीना सिंह का भाई आया और उसने बाहर लगे कैमरे तोड़ दिए। सुबह जब उसकी बहन से बताया तो वह लड़ने लगी और मारपीट करने लगी, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं आज थाने आई हूँ सर। मैं महाराजपुर पटेल नगर में रहती हूँ और कल रात की मेरे साथ जो घटनाएं हुई हैं, कल रात की घटना ये हुई है सर कि मेरे साथ क्या है, मेरे घर में जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे को ये लड़के ने तोड़ा है, शैली ने आके, शैली पंजाबी सिंह ने तोड़ा है कैमरे को आके। और इसके बाद जब मैं अंदर से चिल्लाई हूँ, मैंने अपने कैमरे में देखा, अंदर से चिल्लाया मैंने तो ये छुप गया पेड़ों के पास छुपने बाद जैसे मैं निकली हूँ बाहर, अपनी बेटी, हमारी बेटी भी थी, तो इसने मेरी बेटी को पकड़ के खींचा। मैंने अपनी बेटी को खींचा अपने साइड, मैं सामने खड़ी हो गई तो इसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे कपड़े फाड़ दिया, मैंने यहाँ पे हाथ रखा, पूरे कपड़े फाड़ दिया और मेरे साथ बहुत 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 बुरा किया सर इसने। तो मैं इसको चाहती हूँ कि इसको ना फांसी की सजा दे दी जाए। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ये बोल रही है, पुलिस देखिए सर, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही, इतने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप में क्या कर लू। सीसीटीवी में इसके तोड़ते हुए कैमरे वीडियो आए हैं, लेकिन फिर भी इनको दिखा दिखा के परेशान हो रही हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परेशानी की बात ये है सर कि क्या इनका मकान बन रहा है, यहाँ गिट्टी वगैरह डालते हैं, जो भी मटेरियल डालते हैं, तो मैं जब जरा सा इसको बोली, उसी दिन से ये जो लड़ाई का जरिया बना के रखी है, ये उसी दिन से मेरे से लड़ती है, मेरे साथ मारपीट किया इसने, मारपीट करने के बाद ही मेरा कैमरा इसने निकलवाया। मीनू पंजाबी है सर और ये धंधा करती है, ये धंधा करती है, ये बेशिया है। और कैमरे लगाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है, कैमरे जो हमने लगवाए थे, तो इसको डिस्टर्ब क्या होता है, डिस्टर्ब ये होता है कि मेरे यहाँ
घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो ये कैमरे में दिख रहा है, ये कैमरे में दिख रहा है। सबसे बड़ी इसको प्रॉब्लम कैमरे की से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको इसी चीज से। मेरे पति हैं बॉम्बे में, मेरे दो बच्चे हैं, मैं दो बच्चों के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे को परेशान करके रख दिया इसने छोटी छोटी बातों में। हमारा सेफ्टी कैमरा रहा इसने तोड़ दिया है। इसकी वीडियो हमारे पास है, नाम शीला कुशवाहा जी। रात में नहीं आई थी, रात को क्यों पुलिस FIR कर ही नहीं रही। शीला कुशवाहा थाना आधारताल में पटेल नगर की महिला शीला कुशवाहा आई थी। उसकी रिपोर्ट पर सैनी पंजाबी के विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और जांच करने के उपरांत इसमें गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।